नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रतापगढ़ जिले के अरनौत से है, जहां निकटवर्ती सालमगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ी सागथली में प्रतापगढ़ व भीलवाड़ा जिला आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए दबिश देकर भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के उपकरण, खाली पवे बोतलें, स्प्रिट के ड्रम, बोतलों के ढक्कन आदि बरामद किए हैं। जिला आबकारी अधिकारी योगेश श्रीवास्तव से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के बड़ी सागथली ग्राम में नकली शराब मिलने की सूचना पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई की भनक लगते ही संचालक वहां से फरार हो गया, जिसे आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो यहां से मध्य प्रदेश की सीमा महज 2 से 3 किलोमीटर है। यहां से नकली शराब बनाकर मध्य प्रदेश में सप्लाई की जाती थी। अरनौत से पवन धाकड़ की विशेष रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिले में बड़ी सांथली गाँव के अंदर एक जगह पर दबिश दी आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर। इसमें सुभाष धाकड़ के मकान और उसके कुएं पर आबकारी टीम ने दबिश दी और वहां पर अवैध शराब निर्माण की सामग्री बहुत भारी मात्रा में बरामद हुई, जिसमें कम से कम 45,000 पौवे देशी शराब बनाने के लिए प्लास्टिक की और 2,500 पौवे अंग्रेजी शराब बनाने के लिए कांच के पौवे वहाँ इकट्ठे किए गए थे। उसके साथ ही देसी और अंग्रेजी शराब के ढक्कन और स्प्रिट ये बरामद हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग भारी मात्रा में ये शराब बनाने के काम करने के लिए इन सब सामग्री को इकट्ठा किया गया था, जिसको मुखबिर की सही समय पर सूचना मिलने के कारण इसको हमने पकड़ा है और मुखबिर की सूचना पर ही उस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। उससे भी आगे पूछताछ जारी है। इसमें जावरा के किसी आदमी का नाम आ रहा है, तो उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है, तो उसके लिए जो आबकारी इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे, वो तफ्तीश कर रहे हैं। तो क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, तो इस तरह की और भी कहीं पर सूचना यदि होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास भी इस तरह का कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर।